everyone, welcome back to our YouTube channel Blue Revolution. Today we discuss very interesting topic, culture of murals. So before starting the video, if you new on this channel, then please subscribe it and like and share too. Let's start our video. Outlines are air breathing faces culture of murals, culturable areas, culture of murals, mural grow out culture, stocking, feeding, growth and production, harvesting. First, air breathing fishes culture of murals. ये हार्डी फिशेस है जिन्होंने एटमॉस्फेरिक एयर में सांस लेने के लिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप किए हैं एंड यह उन्हें फॉल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी में भी जीने में सक्षम बनाता है, जो मोस्ट फिशेस के लिए लिमिटिंग फैक्टर में से एक है। ये फिशेस डेरिलिक्टिक एंड स्वैम्पी वाटर में रहने के लिए काफी सूटेबल है, जहां कार्प अच्छी तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते। द कल्चरेबल स्पीसीज ऑफ एयर ब्रीथिंग फिशेज आर चेमेस्ट्रेटस, कॉमन नेम बिग और स्ट्रिप मिरल्स, इट ऑल्सो कॉल्ड स्नेक हेड फिशेज, चन्ना पेंटेटस, कॉमन नेम स्टॉप म्यूरल, चन्ना मारुलस, कॉमन नेम जायंट म्यूरल, कैलरस बैट्रिकस मांगुर, हेट्रोपिनेटस फोसिल सिंगी, एनाबास टेस्टोडिनस कोई और क्लाइंबिंग पर्च। इनमें से चन्ना स्ट्रेटस की मार्केट में सबसे अधिक डिमांड है एंड इसके प्राइस भी अधिक है। अगला सबसे अच्छा कैलरस बैट्रिकस एंड हेट्रोपिनेटस फोसिल है एंड इनमें से सभी स्पीसीज के कल्चर लाभदायक है। कल्चरेबल एरिया, एयर ब्रीथिंग फिशेज के कल्चर के लिए 50 टू 75 सेंटीमीटर की डेप्थ के साथ शैलो वाटर की आवश्यकता होती है। एयर ब्रीथिंग फिशेज के कल्चर के लिए पॉन्ड को केमिकल से फर्टिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। एयर ब्रीथिंग फिशेज को रनिंग वाटर सिस्टम लाइक स्ट्रीम्स, कैनाल एंड अनमैनेजेबल वाटर लाइक रिजर्वायर में केज कल्चर किया जा सकता है। शैलो पॉन्ड के लिए यह फिशेज बहुत ही यूजफुल है, जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के सेवन के लिए फिश को सरफेस तक ट्रैवल करने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कल्चर ऑफ म्यूरल्स, म्यूरल्स की कई स्पीसीज हैं, जिनमें से चन्ना मारुलस, चन्ना पेंटेटस, चन्ना स्ट्रेटस फूड फिशेज के रूप में इम्पोर्टेंट है। चन्ना मारुलस 1200 mm की मैक्सिमम लेंथ तक ग्रो करता है, जबकि चेन्नई स्ट्रेटस 900 mm एंड चेन्नई पेंटेटस 300 mm तक ग्रो करते हैं। म्यूरल्स एंड स्नेकहेड इंडिया के एयर ब्रीथिंग इंडिजिनियस फ्रेश वाटर फिशेज में इम्पोर्टेंट है। नाइस फ्लेवर, इंट्रामस्कुलर बोन्स एंड मेडिसिनल वैल्यू के साथ मीटी फ्लेश की वजह से यह फिशेज अत्यधिक पसंदीदा है। गुड ग्रोथ रेट, हाई कंज्यूमर प्रेफरेंस, मार्केटेबल साइज एंड वाटर के एडवर्स कंडीशन को झेलने की एबिलिटी उन्हें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए सुटेबल कैंडिडेट स्पेसेस बनाती है। ये फ्रेश वाटर रिवर एंड स्वैम ट्रैवलिंग फिशेज है, जो कन्फाइंड वाटर में कल्चर के लिए सुटेबल है। यह फिशेज वेल में अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। म्यूरल्स पॉन्ड में ऑलमोस्ट होल ईयर ब्रीड करते हैं, जिसकी पीक पीरियड अप्रैल से जून तक होती है। पेरेंट्स तब तक केयर करती है जब तक लार्वी अर्ली फिंगरलिंग स्टेज अटेंड नहीं कर लेता। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेसिस पर वे फॉल वाटर में रह सकते हैं और बहुत कम पानी में भी महीनों तक पनप सकते हैं। यंग फिश को स्मॉल क्रस्टेशियन एंड वेजिटेबल डेब्रिस पर फीड के लिए जाना जाता है। एडल्ट फिशेज हाईली कार्निवोरस एंड पिसिवोरस होते हैं। इन फिशेज की कैनाब्लास्टिक हैबिट के कारण फ्राई में मेजर कंस्टेलेंट पुअर सर्वाइवल होता है। इस फिश की प्रेडेटरी नेचर की वजह से कार्प के साथ कल्चर नहीं कर सकते हैं। म्यूरल ग्रो आउट कल्चर, फिश फार्म एंड अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच कमर्शियल म्यूरल कल्चर को पॉपुलर बनाने के लिए डिफरेंट डायमेंशन के अर्थ पॉन्ड को एक्वाकल्चर फार्म के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। अर्थ पॉन्ड बनाने के लिए साइड से सीमेंट और नीचे में क्ले से पॉन्ड को भरा जाता है। स्टॉकिंग, म्यूरल्स हाई स्टॉकिंग डेंसिटी की परमिशन देते हैं, क्योंकि वे एयर ब्रीथिंग ऑर्गन के एडिशनल सपोर्ट के कारण हार्डी फिशेज ओवरक्राउडिंग टॉलरेट कर सकते हैं। म्यूरल को 20,000 टू 30,000 फिंगरलिंग पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक की जाती है। फीडिंग, इसे
5-10% पर बॉडी वेट के हिसाब से बॉइल्ड चिकन इंटेस्टाइन खिलाया जाता है। लाइट ट्रैप को म्यूरल पॉन्ड में इंस्टॉल किया जाता है, जिसके द्वारा इंसेक्ट को लाइट से अट्रैक्ट किया जाए एंड जिसे म्यूरल द्वारा प्रोटीन रिच फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रेंड म्यूरल फिंगरलिंग भी पानी के चीप ड्राइड मरीन, ट्रेस फिश सॉक, स्लाफ्टर हाउस वेस्ट एंड सिल्कवॉर्म प्यूपी को एक एनिमल प्रोटीन सोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस फूड सोर्स के सफिशिएंट ना होने पर सेम पॉन्ड में तिलपिया का कल्चर भी किया जा सकता है। ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। इस फिश का प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने से 8 मंथ में जाइंट म्यूरल 1-2 केजी पर ईयर, स्ट्रिप्ड म्यूरल 0.75 केजी पर ईयर एंड स्पॉटेड म्यूरल 160 ग्राम तक ग्रोथ करते हैं। फॉरेस्ट फिश के साथ म्यूरल्स सप्लीमेंट्री फूड में 4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर के वेट से प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है। हार्वेस्टिंग। पॉन्ड से एयर ब्रीथिंग फिशेज हार्वेस्टिंग के लिए समर सुटेबल सीजन है। इस फिश को हार्वेस्ट करने के लिए पॉन्ड को ड्राई किया जाता है, देन फिश को स्कूप नेट, हैंड नेट एंड हैंड पिकिंग के हेल्प से हार्वेस्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल कंपोजिट कल्चर सिस्टम के तहत म्यूरल्स का प्रोडक्शन 6-8 मंथ में 50-250 केजी पर हेक्टेयर तक होता है। 8-9 मंथ में म्यूरल्स मार्केटेबल साइज अटेन कर सकते हैं। कार्प के साथ म्यूरल स्पीसीज का सेमी इंटेंसिव कल्चर करने पर चन्ना मारुलस 6-8 मंथ में 400-600 ग्राम, चन्ना स्ट्रेटस 300-400 ग्राम एंड चन्ना पेंटेटस 150-200 ग्राम तक ग्रोथ करते हैं, जिससे 300-500 केजी पर हेक्टेयर के रेट से यील्ड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।